दोहरे हत्याकांड के मामले में सजा काट रहे एक कैदी ने केंद्रीय जेल के बेरक में गुरुवार की रात लगभग 11 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं एक अन्य बीमार कैदी के उपचार के दौरान जिला अस्पताल अंबिकापुर में मौत हो गई है। एक ही दिन में दो कैदियों की मौत से अलग अलग घटनाओं में हुई है, परंतु मौत से अंबिकापुर जेल प्रशासन में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। देखिए पूरी खबर रवि कुमार मिश्रा के साथ। रात को जब वो लाइट बार बार जा रहा था, लाइट के अंधेरे में वहाँ पर एक ड्यूटी पर गणराज सिंह कवर प्रहरी तैनात था, तो जब तक और भी वहाँ पर बंदी रहते हैं उनको वो देखने गया होगा जो भी रहा होगा, और उसकी जिम्मेदारी जो उसको सस्पेंड किया है गणराज सिंह कवर प्रहरी और एक विजय बहादुर सिंह मुख्य प्रहरी, वो सब कैदियों पर कैसे कैसे पूरी करते हैं मॉनिटरिंग करते हैं, तो एक मुख्य प्रहरी है विजय बहादुर सिंह, लापरवाही के चलते दोनों और उसके जो परिजन हैं सामना ये कंबल जो नया है उस कंबल की जो किनारे होती ना बॉर्डर जो लगी उसको बॉर्डर से उसे खींचा और खींचने बाद ऐसे खिड़की तो इस खिड़की के उस फंदे में उसने लगा के बैठ गया अभी जाकर मैं देखा उसको और बैठने के बाद हमारा होगा घर तो उसके बाद जो है ये मजे से जाँच होगी कि जो विभाग की जाँच में लोग लापरवाह पा गए दोनों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इसके अलावा मजिस्ट्रेट जाँच कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन तो वो कलेक्टर साहब के बिहाफ में कोई डिप्टी कलेक्टर साहब का मान लो आता है उसमें कोई दोषी पाया जाता है सुगम राम भी जो है सत्ताईस फरवरी से अस्पतालों पर और वहाँ डॉक्टर उसके इलाज के बारे में विस्तार से क्या कहेंगे।